हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्मार्ट न्यूज़ चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकल ट्रेन के बारे में। एक लंबे समय से लोकल ट्रेन बंद है, आम जनता को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम अपने वीडियो में आपको ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में बताएंगे जो पालघर से मुंबई की तरफ सफ़र करते हैं प्रतिदिन। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उनके बारे में कि आखिरकार क्या राय है आम जनता की सरकार को लेकर, क्योंकि सरकार अभी तक इस बारे में कोई भी पुष्टि नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें, एक नई तारीख फिर से मिल चुकी है। जी हाँ, कोरोना संकट में राज्य सरकार सर्वसामान्य साथी लोकल सेवा बंद के लिए है, पण दुकाने कार्यालय जाता बस याचा प्रमाण सुरू झाला आहे। प्रवासासाठी लोकल ट्रेन उपलब्ध नसल्यात। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मराठी में आपने देखा कि पूरी तरह से सब कुछ खुल चुका है। दुकान हो, दफ्तर हो, कामकाज हो, कोई भी बैंक हो, सब कुछ, चाहे प्राइवेट हो, सरकारी बैंक हो, सब कुछ खुल चुका है। लेकिन उसके बावजूद अभी तक आम जनता के लिए लोकल ट्रेन नहीं खुली। महाराष्ट्र में अब स्कूल भी 15 जुलाई से खुल जाएंगे। टीचर्स का भी कहना है कि जब 15 जुलाई से स्कूल वगैरह खुल जा रहे हैं, टीचर्स को भी अलाउड नहीं है लोकल ट्रेन में सफ़र करने को लेकर, तो आखिरकार कब से अनुमति मिलेगी। तो जो ताज़ा रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा है, राजेश टोपी जी ने कहा है कि वो वैक्सीनेशन के प्रोसेस को जल्द से जल्द कम्प्लीट कर लिया जा रहा है। तो दोस्तों, लोकल ट्रेन आपके लिए 15 जुलाई के आसपास में शुरू की जा सकती है, जैसा आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जैसा मंत्री जी ने बयान दिया है। तो 15 जुलाई से पहले आपके लिए लोकल ट्रेन नहीं खुलेगी, लेकिन हाँ, लोकल में काफ़ी लोगों को अनुमति मिल चुकी है, जो जिनकी कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर में थी, इन तमाम लोगों को उनकी कंपनी के द्वारा यूनिवर्सल ट्रेवलिंग अथॉरिटी पास जो था वो मिल चुका है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा आसानी हो रही है लोकल में सफ़र करने को लेकर। लेकिन अभी भी आम जनता में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन पालघर से, पनवेल से लोग मुंबई की तरफ आते हैं अपने कामकाज पर, और उसके लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। लेकिन सरकार अभी तक इन लोगों के बारे में कोई भी डिसीज़न नहीं ले पा रही है, क्योंकि बसों के माध्यम से या फिर ऑटो या टैक्सी या प्राइवेट ओला उबर से आने के बावजूद उनके पास ना पैसे बचते हैं और ना ही इतना समय। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।